तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैंने बहुत टाइम से कोई व्लॉग पे ऐसा पोस्ट नहीं किया था, बट ऐसा था कि कुछ इंस्टाग्राम पे अपडेट्स दिया था मैं कि मैं क्यों पोस्ट नहीं कर रहा हूँ कोई व्लॉग। सो वो सबको छोड़ते हैं अभी। अभी ऐसा है कि बहुत जन अभी इको फ्रेंडली बहुत जन हो रहा है, और अभी सबसे ज़्यादा हम देखने मिल रहा है कि ऑटोमोबाइल में ईवी सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में चल रही है। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी टाटा के ईवी। सो आज अपने बस में टाटा के व्हीकल का एक रिव्यू आया था, तो उसके बारे में मेरे को आपसे कुछ डिस्कस करना था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखा है, तो जिसमें ऐसा बोला जाता है कि बहुत जनों को जो कंपनी रेंज बताती है उस हिसाब से रेंज नहीं मिलता है, या फिर जैसा कंपनी बोलती है कि गाड़ी ऐसा है बट लोगों को वैसा एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना था, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ पे। तो देखिए, फर्स्ट कैसा है कि अगर आपको रेंज के लिए चाहिए, तो रेंज के लिए आपको दो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। पहली स्पीड है, और दूसरा आपका जो ड्राइविंग पैटर्न है वो। तो उसमें भी मतलब रीजनरेशन लेवल्स वगैरह भी कुछ आती है। तो मैं पहले सबसे पहले आपको रेंज के बारे में जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंज के लिए हमको स्पीड रखनी पड़ती है 40 से 45 सिटी में, और 60-65 हम रखते हैं इसको हाईवेज में। तो जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पे किलोवाट कंजम्पशन चलता है, तो ये किलोवाट कंजम्पशन में कैसा है कि जितना किलोवाट कम रहेगा हमारा उतना ज़्यादा रहेगा। अभी जैसा यहाँ पे 109 चल रहा है, तो 109 किलोवाट बोले तो ये कम हो गया। इसको हमको 120 तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। जितना कम ये किलोवाट यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा हमको यहाँ पर रेंज देखने मिलेगी। और रेंज बेसिकली कैसे आती है कि जैसा अभी हमने चलाया, ये जो हमारे यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है ड्राइविंग पैटर्न, इसके ऊपर में रेंज पूरा डिपेंड करेगा आपका। और दूसरी चीज़ की जैसा भी समझे, एक एग्जांपल जैसा 100% गाड़ी है, 100% के बाद में हम जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी समझो कि आज सुबह 100% थी और शाम तक हमारी 20% हो गई है, तो जब हम उसको नेक्स्ट चार्जिंग साइकिल पे उसको डालते हैं, जब हमारा नेक्स्ट चार्जिंग होता है उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से जो ड्राइविंग पैटर्न बनेगा और जितना किलोवाट हमारा उसमें प्रीवियस कंजम्पशन होगा उतनी यहाँ पे रेंज दिखाती है। और इसके बाद में यहाँ पे रीजनरेशन लेवल मोड्स होते हैं, जैसा हाईवे पे भी लेवल 1 चला रहे हैं। अभी अगर हम इसको चेंज करते हैं, जैसा लेवल 2 पे जाते हैं, तो लेवल 2 पे जाने के बाद में यहाँ पे हल्की सी हमको यहाँ पे जो रेंज है इस यहाँ पे हमको इंक्रीज़ होते दिखेगा। अभी ये लेवल 2 पे, अभी यहाँ पे रेंज इंक्रीज़ होगी, और लेवल 3 पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे और इंक्रीज़ हो जाएंगी रेंज। तो ये जो लेवल 3 है ये हम सिटी पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 1 पेडल आता है। 1 पेडल इन द सेंस कि जैसा हम अभी पेडल छोड़ते हैं तो ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली लेगा, तो जो पावर लॉस होता है वो मोटर के थ्रू वापस से बैटरी पे चले जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रीजनरेशन लेवल्स है इसमें। और उसके बाद में यहाँ पे जैसा रीजनरेशन लेवल हो गया, इसके बाद में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते, जैसा आपके इसमें जब क्रूज़ कंट्रोल होगा, कुछ वेरियंट्स में है कुछ इसमें नहीं है, तो जैसा क्रूज़ है तो क्रूज़ कैसा ऑन होता है, पहले यहाँ पर हमको क्रूज़ के मोड पर आ जाना है। क्रूज़ के मोड पर आने के बाद में यहाँ पे राइट बटन है, ये जैसे हम दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्रूज़ ऑन होता है। तो क्रूज़ जैसा हमारा कंफर्म हो जाएगा तो हम यहाँ से ही क्रूज़ को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अप एंड डाउन। ये 2 बटन दी गई है जहाँ से हम स्पीड इंक्रीज़ और स्पीड डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम इनकेस यहाँ पे पेडल का यूज़ कर लेते, जैसे ब्रेकिंग या फिर एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं, तो क्रूज़ जो है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। जैसे अभी हमने ब्रेकिंग यूज़ किया तो क्रूज़ ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल वर्क करता है। उसके बाद में हम आते हैं कि इसमें हमको कौन से मोड्स देखने मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखा होगा, ये रिवर्स मोड है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइव मोड है, और ये स्पोर्ट्स मोड है। तो बेसिकली हमको अगर रेंज अच्छी चाहिए तो हमको ड्राइव मोड पे चलाना है। ड्राइव मोड पे भी हम उसको कैसे कि इकोनॉमी चला सकते हैं, और जैसा कि हमको जब बहुत ज़्यादा मतलब कोई कीचड़ वाला जगह है जहाँ पे गाड़ी अपना फंसने का डर है, या फिर कोई ज़्यादा पत्थर वाला इलाका है जहाँ पर ट्रैक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो पावर इंक्रीज़ करने के लिए हमको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। तो स्पोर्ट्स मोड पे क्या होता है कि जो हमारा मोटर है वो पावर एग्जर्ट ज़्यादा करता है, जिसके कारण गाड़ी का जो पिकअप जो रहता है हमारा वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्पोर्ट्स मोड में मतलब ड्राइविंग के लिए नहीं है, ड्राइविंग के लिए हमारा डी दिया गया है यहाँ पर। तो स्पोर्ट्स मोड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको ट्रैक्शन एकदम ज़्यादा चाहिए होता है। इसके बाद में आ जाता है स्टेयरिंग्स पे। तो स्टेयरिंग्स पे कैसे कि यहाँ पे कंट्रोल स्विचेस दी गई है, यहाँ पे ये हमारा कॉल का दिया गया है, यहाँ पे म्यूट और कॉल कट का दिया गया है, बीच में ब्लूटूथ का दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और ये हमारे चैनल चेंज करने के लिए। तो ये पूरा बेसिकली ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसा अभी से कमांड है, तो यहाँ पे जैसा हम वॉइस कमांड अगर कोई देंगे तो हमारा डायरेक्टली वॉइस कमांड के साथ में यहाँ पे वर्क करता है। जैसा अभी
यहाँ पे आप कोई भी वॉइस कमांड देते हैं, जैसा अगर हमको कोई वॉइस कमांड देना है, रेडियो चालू करना है, कुछ चालू करना है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ अपनी कमांड देना पड़ता है। जैसा हमारे जब फ़ोन कनेक्ट हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, तो हम यहाँ पे उसको वॉइस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमको नहीं करना है तो यहीं से ये बटन है, इसको दबा दिए, यहाँ से कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे हमको देखने मिलता है ये डिफॉगर का, यहाँ पे हमको मतलब अलग अलग मोड्स है जो सभी गाड़ियों में होते हैं, जैसा वहीं पे यहाँ पे सब है। उसके बाद में एक फीचर ये है कि यहाँ पे हमको फॉग लैम्प के लिए एक डेडिकेटेड बटन दी गई है। यहाँ पे डोर लॉक और अनलॉक के लिए एक हमारे पास में बटन है, और जो हमारा पीछे का जो टेल गेट है वो ओपन करने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड स्विच दी गई है। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, और कुछ वेरिएंट्स में थोड़ा अलग है। मैक्स में, नेक्सॉन मैक्स में थोड़ा चेंज हो जाता है, ये प्राइम वर्जन है। तो प्राइम में हमको ये जो अपना ट्रांसमिशन का जो स्विचेस है ये थोड़ा अलग देखने मिलता है। और इसके बाद में जो ड्राइव मोड है मैक्स में, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा क्लासी बना है, उसमें थोड़ा लग्जूरियस टाइप आया है, तो उसमें एक नया वेरियंट है। और जो अभी जो नया जो मैक्स का मॉडल आया है उसमें स्क्रीन भी चेंज की गई है। तो होप्स हो कि आगे अगर कभी हो सकता है तो वो भी एक गाड़ी का एक बार मैं रिव्यू दे दूंगा। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी कि जैसा यहाँ पे एक बटन है ये फ्रंट की, और एक है जो बटन है जो हमारा फॉग डिफॉगर रहता है वो, और एक रियर की है, एक फ्रंट की है। तो यहाँ पे दोनों साइड में ये यूज़ हो सकता है। ये हमारा एसी है जो यहाँ पे ईऑन लिखा है, यहाँ पे इकोनॉमी मोड पे भी चलता है। ये ऑटो मोड है, ये ऑफ है, और यहाँ से एसी ऑन होता है और ऑफ होता है। तो इसमें क्लाइमेट कंडीशंस भी अच्छी है। और यहाँ पे भी हमको अगर एसी का करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कि अगर हमको कुछ चेंजेस करना है एसी के लिए तो यहाँ से भी कर सकते हो। और लास्ट चीज़ है कि जब चार्जर चालू होता है तो चार्जर में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो चार्जर कुछ इस तरीके से चालू होता है। यहाँ पे तीन लाइट ग्लो होती है, और ये लाइट एक ब्लिंक होती है। तो ये जब लाइट ब्लिंक होती है तो इसका मतलब गाड़ी से चार्जर कनेक्ट है, और वो गाड़ी के ये साइड में यहाँ पे दिखाता है कि चार्जर अपना कनेक्ट हुआ है करके। और जो चार्जिंग पॉइंट है गाड़ी का वो ये साइड में दिया हुआ है, मतलब अंदर से खुलती है वो। और ये साइड में चार्जिंग पॉइंट है, ये अपना स्लो चार्जर रहता है यहाँ पर, और नीचे में यहाँ पर फास्ट चार्जर का डेडिकेटेड स्लॉट है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत जनों को यहाँ पे एक रेड लाइट आ जाता है। तो रेड लाइट कब आता है? जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो रेड लाइट ग्लो होता है इस पर यहाँ पे दिया हुआ है कि जब अर्थिंग का दिक्कत आता है तब ये रेड लाइट ग्लो होता है। तो कभी कभी घर के अर्थिंग से भी ऐसा होता है कि अर्थिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण ये रेड लाइट ग्लो होता है, और कभी कभी चार्जर ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है उसके वजह से भी ये लाइट ग्लो होता है। और अगर जब भी ये लाइट ग्लो होगा तो उसके लिए एक रीसेट प्रोसेस होती है। तो रीसेट प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, जैसा भी ये चार्जर कनेक्ट है तो उसको यहाँ से बंद करना होता है। जब बंद करने के बाद में उसको चार्जर को हमको यहाँ से डिसकनेक्ट करना होता है। चार्जर बंद करने के बाद में उसको यहाँ से डिसकनेक्ट करना है, और डिसकनेक्ट करने के बाद में उसको रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए हमको वापस से चार्जर चालू करना पड़ता है। चार्जर चालू करने के बाद में जैसा लाइट्स चालू होती है, लाइट्स चालू होने के बाद में वापस से चार्जर बंद करना है हमको, और बंद करने के बाद में उसको वापस से चालू करना है। तो ऐसी ही सेम प्रोसेस 3 से 4 बार करना है। तो इसमें चार्जर रीसेट हो जाता है। रीसेट होने के बाद में जो वो नीचे में जहाँ पर हमको रेड लाइट मिल रही है, तो रेड लाइट जो आने की जो स्थिति रहती है वो बंद हो जाती है उसमें। सो चार्जिंग का वैसे कुछ प्रोसेस है। और अंदर में यहाँ पर जब भी चार्जिंग चालू होगा तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइट आता है एक। तो जब भी ये ग्रीन लाइट आएगा इसका मतलब हमारा चार्जिंग कनेक्ट है, और जब ये ग्रीन लाइट नहीं आता है इसका मतलब हमारा चार्जिंग कनेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये होता है। अभी ये कनेक्टेड है। और इसमें लास्ट फीचर एक है कि बहुत गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है कि जब हमारा टायर कहीं पंचर हो या फिर हमारी हवा जब कम हो जाती है टायर में तब दिखाता है। तो जब भी हम हवा डलवाते हैं तो यहाँ पे एक TPMS का लाइट ग्लो होता है। तो उसको हटाने के लिए हमको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे TPMS रीसेट कर रहता है, इसको सिलेक्ट करके हमको ओके करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लिंक होता है, और अगर ये कंटिन्यू ऑन रहेगा तो TPMS एरर आता है, और जैसा हम इसको रीसेट करते तो ब्लिंक होता है और उसके बाद में चले जाता है। इसका मतलब हमारा TPMS रीसेट हो गया है। गाइस, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपके अगर कोई भी जान पहचान या फिर कोई फ्रेंड्स या फिर कलीग्स के पास में ऐसे कोई व्हीकल है तो उनसे आप ज़रूर से वीडियो शेयर करें।
और टिल देन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपन लाते रहेंगे, और आपके भी पास में अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सो टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट स्टे हेल्दी, फिट द पोर सेल्फ इच अदर्स एंड टेक केयर, बाय बाय।